करीनगर में वो एक अच्छा प्लेयर है, और अगर उन्होंने नॉमिनेट किया है तो मेरा ख्याल उसका राइजिंग पर है, क्योंकि जिस तरह वो उसने एक मैच में कम बैक किया है और उनको इंडिया की टीम को जितवाया है, मेरे ख्याल से उसका राइट बनता है, उसका हक बनता है। बहुत ज़्यादा जितने ज़्यादा ग्राउंड होंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा और उतने ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर आएंगे। जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने टेस्ट क्रिकेट में भी आकर बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जो भी बंदा अच्छी परफॉर्मेंस दे उसे आगे ICC को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और इंडिया में बैट्समैन की कमी नहीं है, इंडिया शुरू से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सारे उनके पास टॉप क्लास प्लेयर है। सर अगर बात की जाए इंडिया की, जो इंडिया का प्लेयर है यशस्वी जायसवाल जो अभी न्यू प्लेयर आया, ठीक है, उस पर आप क्या कहेंगे कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है? जी वो अभी नया है लेकिन उसने बहुत अच्छी परफॉर्म दी है। मैंने देखा है कि बांग्लादेश में जो सीरीज चल रही है उसमें उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वो तारीफ के काबिल है। जी इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज थी। जी जी बिल्कुल जी, उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर ना अब जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जो जायसवाल है ना उसको हम अवार्ड देना चाहते हैं, अवार्ड देने के लिए नॉमिनेट कर दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि एक यंग प्लेयर है और वो उसको देंगे अनाम देंगे तो दूसरे जो यंग जनरेशन है इंडिया में लगा लें पाकिस्तान में लगा लें तो वो भी इसके लिए स्ट्रगल करेंगे, तो ये अच्छा जो है ना कंपटीशन मिलेगा मेरे ख्याल में। वो अभी न्यू प्लेयर है, वो इतना कमाल प्ले कर रहा है। हाँ यही मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है तो उसको देना चाहिए ना, देना चाहिए। अच्छा सर अगर देखा जाए कि वो अभी न्यू आया और ठीक है जब ये इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी ना वहाँ पर वो कंटिन्यूसली ना हर मैच में 2 सेंचुरी 200 से कम स्कोर तो वो कर ही नहीं रहा था। जी जी यही मैंने बताया ना कि वो ये देखें अभी उसने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में उसने इतना अच्छा खेला तो आप अंदाजा कर लें कि जब तेंदुलकर आया था तो वो पहले मैचों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, लेकिन इसने आते ही जो है ना स्कोर करना शुरू कर दिया, आते ही उसकी वाह वाह काफी हो गई। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर अगर उसकी परफॉर्मेंस को हम देखें तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास आखिर ऐसे क्या टैलेंट है कि हर अच्छा प्लेयर इंडियन टीम में ही क्यों है? हाँ मेरी नज़र में इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने जो प्लेयर है उन पर काफ़ी उनको सहूलतें देते हैं, मसलन उधर ग्राउंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जितने ज़्यादा ग्राउंड होंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा और उतने ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर आएंगे। ऐसा ही है सर, अगर हम पाकिस्तान से इंडिया का अगर कंपैरिजन करते हैं तो आप ये बताएं मुझे कि पाकिस्तान की टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको आप समझते हैं कि इसलिए टीम की जान है, अगर ये आउट हो गया तो मतलब मैच खत्म? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में तो ऑफकोर्स बाबर आजम है, बाबर आजम तो पूरी दुनिया के एक नंबर प्लेयर है और जब वो आउट हो जाता है तो फिर थोड़ी मायूसी होती है, लेकिन दूसरे प्लेयर भी आ रहे हैं जैसे अभी साइना यूब है वो भी अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद एक उस्मान खान आए हैं वो भी अच्छे प्लेयर है, लेकिन जब बाबर आजम आउट हो जाता तो उस वक्त जो है ना शदीद परेशानी होती है। बाबर आजम इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। सर देखिए इंडिया वाले जो है अपने प्लेयर को वो अवार्ड देने के लिए अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है कि हम उसको नॉमिनेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम में ऐसा कौन सा है जिसको अवार्ड मिलना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस की बेस? बाबर आजम, उसके अलावा कोई भी नहीं? नहीं है प्लेयर है किसी और का नाम भी यंग में साइम अयूब है, उस्मान खान है, ये नए प्लेयर अभी PSM में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म दिया है तो मेरे ख्याल में इनको भी मिलना चाहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और जो नए प्लेयर हैं और तो देखने को मिले। अच्छा ठीक है, जबरदस्त हो गया। सर अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात करते चले तो आपको क्या लगता है कि अब इन फ्यूचर जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी या फिर और खराब होगी? आई थिंक मेरे ख्याल में क्रिकेट बेहतरी उस वक्त तो आती है जब क्रिकेट के ऊपर जब हम चेयरमैन लगाते हैं PCB का वो क्रिकेट जानने वाला हो, हम वैसे किसी को हटा कर चेयरमैन लगा देते हैं तो उसको तो क्रिकेट की समझ नहीं होती या देखने की हद तक उसको पता होता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो प्रैक्टिकली खेलता है जिसको तजर्बा है उसको चेयरमैन लगाएं तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट मजीद बेहतर हो सकती है। जैसे रमीज राजा थे उन्होंने वो जानते थे कि कैसे खिलाना है,
तो उनके दौर में हमारी जो टीम है वो काफ़ी अच्छा खेली है, बल्कि टेस्ट में तो नंबर वन पे भी चली गई थी। तो यही एक टेक्निक होती है मेरे ख्याल में, जो प्लेयर हूँ उसी को उसका सीनियर लगाएं। सर लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में यही देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बस इसको फैसिलिटी जो है ना वो मैसर नहीं है, ग्राउंड्स वगैरह नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि हर ज़िला में बल्कि हर जो कस्बा टाइप है या तक गांव टाइप है, उन वहाँ पर कोई ग्राउंड्स का जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड्स के होने से हमारे जो यंग जनरेशन है और उनमें मसलन क्रिकेट है, फुटबॉल है, तरह तरह की गेमें हैं, वो ग्राउंड की वजह से वो खेल सकते हैं और वो इसकी वजह से हेल्दी भी रह सकते हैं। तो मैं पाकिस्तान से अपील यही करता हूँ कि आप जो है ना पूरे पाकिस्तान में यंग जनरेशन के लिए, खेलों के लिए ग्राउंड मुहैया करें। करीमनगर में वो एक अच्छा प्लेयर है और अगर उन्होंने नॉमिनेट किया है तो मेरा ख्याल उसका राइजिंग फंड है, क्योंकि जिस तरह वो उसने एक मैच में कम बैक किया है और उनको इंडिया की टीम को जितवाया, मेरे ख्याल से उसका राइट बनता है, उसका हक बनता है। अच्छा मतलब यानी कि वो अच्छा प्लेयर है। अच्छा प्लेयर है। अच्छा सर, अगर उसकी परफॉर्मेंस से बात की जाए तो जो उसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस में लगातार वो डबल सेंचुरी करता आ रहा है उस सीरीज में जो इंडिया और इंग्लैंड की थी, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा कि वो एक अच्छा प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है, और जो मुस्तकबिल जिसको कहते हैं उसका, यानी काफ़ी अपनी टीम के लिए, मुल्क के लिए, खुद उसकी अपनी रात के लिए काफ़ी मतलब ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से। तो मतलब एक अच्छा प्लेयर मैं उसको लाइक करता हूँ, और चाहे किसी इंडिया का है या कोई स्पोर्ट्स मैन का मुजाहरा करना चाहिए एक इंसान को, उसको उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से खेलते हैं और मतलब दिल से खेलते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का। अच्छा सर, क्या वजह है इसके पीछे कि जो इंडिया के जो भी प्लेयर्स होते हैं वो जब भी खेलने आते हैं तो मतलब अपनी धूम मचा कर जाते हैं, इंडिया वालों का नाम, वो अपने ना कंट्री का नाम रख देते हैं कि मतलब वाह हो जाती है उनकी? मैं तो इसमें यही कहूँगा कि वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, और दूसरी बात यह है कि शौक से खेलते हैं, दिल से खेलते हैं। हमारे यहाँ भी खेलते हैं, शौक से भी खेलते हैं, लेकिन उनका शौक जो उनसे है ना वो रिजर्व हो जाता है कागजों के नीचे। अच्छा अच्छा सर, देखिए हमेशा जो टैलेंट है वो इंडिया से क्यों निकलता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं वो टैलेंट आ रहा है? ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन हमारे टैलेंट को जो उनसे है ना वो जैसे ये मतलब आगे आने नहीं देते। कुछ तो क्यों नहीं आगे आने दे रहे उन्हें? बस ये एक काफी जो उनसे है ना वो समझ लें कि मतलब माफिया कह लें आप आसान लगता। अच्छा सर, देखिए अगर जैसे अब वो जसवाल काफी अच्छा प्ले कर रहा है, ठीक है, अब आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसे आप कहते हैं कि अगर ये आउट हो गया तो मतलब मैच ही खत्म हो गया? मेरी नजर में तो इस वक्त जो रिजवान है जी, वो मतलब जो कि इससे मुल्तान सुल्तान की टीम का कैप्टन है, मेरी नजर में वो बहुत अच्छा प्लेयर है और बहुत अच्छा फाइट करना जानता है मैच को, जो है वो स्पोर्ट ऑन द स्पोर्ट जो उनसे ना रखना भी जानता है, वो बहुत अच्छा पड़ेगा। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि यानी कि अगर वो आउट हो जाएगा तो मतलब मैच तभी खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आउट हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो इतना कि वो सपोर्ट कर जाता है टीम को, जिससे कि आने वाली खिलाड़ियों को काफी टाइम मिल जाता है, काफी मतलब सपोर्ट मिल जाती है, मेरे ख्याल से एक अच्छा प्लेयर है वो। जी सर, सर आपकी नजर में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको आप चाहते हैं कि उसको भी जैसे ICC दे रहा है उसको अवार्ड के देने के लिए नॉमिनेट करें, तो आपकी नजर में पाकिस्तान टीम का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसे आप चाहते हैं कि उसको भी अवार्ड मिले? शादाब खान। शादाब खान फेवरेट आपका रिजवान है, लेकिन आप शादाब खान देखें, वो अपने पाकिस्तानी टीम का नाम लिया, PCL का नाम नहीं लिया, पाकिस्तानी टीम में अगर कोई अच्छा प्लेयर है इस वक्त जो ऑलराउंड के हिसाब से आता है, जो विकेट बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, वो इस वक्त शादाब खान, उसको आप चाहते हैं? तो बाबर आजम जिसकी इतनी हाई वो कहते हैं ना वैल्यू है, उसको आप क्यों नहीं ला रहे? देखिए मौजूदा वक्त में देखा जाए तो बाबर आजम की आप मतलब वो देख लें, जो भी रिकॉर्ड देखें तो इतना वो नहीं। चलिए सर, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि PCL जो है वो PSL जो भी है वो मतलब काफी अच्छा है, काफी मतलब हो रहा है, लेकिन इसमें से हमारे टीम को प्लेयरों को सिलेक्ट करना चाहिए आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, उनमें सेलेक्ट करना चाहिए, और ये सारा काम जो उनका ना मेरिट पर होना चाहिए,
कागजों पर, आई की सिफारिश पे, मेरिट पर जी बिल्कुल। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने टेस्ट क्रिकेट में भी आकर बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जो भी बंदा अच्छी परफॉर्मेंस दे उसे आगे आईसीसी को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और इंडिया में बैट्समैन की कमी नहीं है, इंडिया शुरू से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सारे उनके पास टॉप क्लास प्लेयर है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ये जसवाल साहब, इस वजह से उसके अप्रिशिएट करना चाहिए। एक अच्छा कदम है आईसीसी की जानिब से। देखिए वो जो अभी जो सीरीज चल रही थी इंडिया और इंग्लैंड की, उसमें इंडिया हारने वाला था लेकिन जसवाल की वजह से कमबैक किया उन्होंने वापस मैच में। और ऐसे ही है, बिल्कुल मैम ठीक कह रही हैं आप। और जसवाल की जो परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वो कंटिन्यूसली 200 स्कोर्स किए बगैर तो वो आउट ही नहीं होता था, आखिर इसके पीछे वजह क्या? जी असल में मेरे ख्याल में ना इंडिया का जो डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम है ना वो बिल्कुल हमारे से बहुत ज्यादा ऊपर है। उनके उधर डिपार्टमेंट सिस्टम है, उनके उधर स्कूल लेवल सिस्टम है क्रिकेट का, जो है ना स्कूल में उन्हें सिखाया जाता है, कोचिंग होती है, इस वजह से उनके बहुत ही एक वेल ग्रूम्ड उनके क्रिकेटर सामने आते हैं, जिस वजह से इंडियन क्रिकेट के इस टाइम नाम है, पूरी दुनिया में नाम है, सारी दुनिया उसको मानती है। सही है सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसे आप चाहते हैं कि उसे भी ऐसा अवार्ड मिले? जी इस टाइम मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान टीम में मुझे एक प्लेयर बहुत अच्छा लगता है, कौन सा? मोहम्मद हारिस। अच्छा, उसकी जो शॉट टाइमिंग है ना मैम वो बहुत अमेजिंग है, वो बिल्कुल टाइमिंग के साथ। बाकी आप पाकिस्तान क्रिकेटर्स को देखें ना उनमें टाइमिंग नहीं है, वो इतनी कुछ मजे की शॉट नहीं लगाते, लेकिन जो मोहम्मद हारिस है उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है शॉट लगाने की, तो उसको आईसीसी को कोई अवार्ड देना चाहिए जिसे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आप ऐसा कौन सा प्लेयर है पाकिस्तान टीम का जो जिसे आप चाहते हैं कि मतलब अगर वो आउट हो गया ना तो मतलब समझो गेम ही खत्म हो गई है? मैम वो पहले शाहिद अफरीदी था, अभी तो उस तरह के उस लेवल का कोई प्लेयर नहीं, कोई भी नहीं है। नहीं अभी शाहिद अफरीदी भी नहीं, वो उसने परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले दिनों में, पिछले साल काफी, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है वो उससे भी कुछ नहीं हो रहा। ये सारे ऐसे क्यों कहते हैं कि बेचारे की शादी हो गया, उसने ऐसा क्यों कह रहे सारे? पता नहीं क्या बात है, शादी के बाद बंदा काहिल हो जाता है, इस वजह से हो जाता है। अच्छा सर आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आपका जो टीवी शो है बहुत अच्छा है, आम आवाम के साथ इंटरेक्ट करते हैं आप लोग, जिससे आम आवाम का जो एहसास इमोशंस हैं वो दुनिया के सामने आते हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है आपकी तरफ से। थैंक यू। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू।